हाय, आई एम मजेदार। तो आज हम बात करेंगे चोवास्टिक एंड ट्राउजर साइन के बारे में, जो कि दोनों के दोनों साइंस है हाइपोकैल्सिमिया की। हमारे ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल होती है वो होती है 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल बिलो हो जाएगी 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो उसको हम हाइपोकैल्सिमिया कहा जाता है। बेसिकली हाइपोकैल्सिमिया में होता क्या है, जो आपके न्यूरल टिश्यूज होते हैं, जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। हाइपर एक्साइटेबल होने की वजह से, स्मॉल टैपिंग की वजह से लॉट ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, तो हम चोवास्टिक साइन में बेसिकली करते क्या, जो हमारी फेशियल नर्व होती है हम उसको टैप करते हैं, एंड स्मॉल टैपिंग की वजह से लॉट ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। जब लॉट ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा तो जिन मसल्स को सप्लाई करेगी फेशियल नर्व वो ऑटो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इसी साइन को हम चोवास्टिक साइन कहते हैं। प्रैक्टिकली हम इसी साइन को करेंगे। आपको 2 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द एक्सटर्नल ईयर टैप करना होगा फेशियल नर्व को। देखिए आप देखिए, मैं जब टैप कर रहा हूं फेशियल नर्व को, स्मॉल टैपिंग की वजह से इतना एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है कि जिन मसल को सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे ट्राउजर साइन के बारे में। ट्राउजर साइन में हम करते हैं क्या, हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। जो ही हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पेशेंट को क्या हो जाता है, 4 आर्म की जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब 4 आर्म की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। इस्कीमिया क्या करेगा, ये इसको फर्दर हाइपर एक्साइटेबल बनाएगा, एंड पेशेंट का जो हाथ है वो ऐसा हो जाएगा एंड थोड़ा सा फ्लेक्स हो जाएगा। इसको हम कार्पोपेडियल स्पाज्म कहा जाता है, एंड इस साइन को हम ट्राउजर साइन कहते हैं। प्रैक्टिकली हम इस चीज को करेंगे। अब आप इसके हाथ की तरफ देखो, जब मैं वापस अब एयर को डिफ्लेट करूंगा, एयर को वापस निकालूंगा कफ से, तो इसकी जो हाथ है वो अपनी पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा। आप देखिए इसी साइन को हम ट्राउजर साइन कहते हैं, जो कि दोनों के दोनों साइन है हाइपोकैल्सिमिया की। थैंक यू।